हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एलजेब्रा। इसमें देखिए हमारे पास कुछ मैचस्टिक्स पैटर्न होते हैं, जैसे ये मैचस्टिक्स हो गई, ठीक, ये पैटर्न हो गए, ठीक। तो उन मैचस्टिक्स मतलब माचिस की तीलियाँ, ठीक। तो उन माचिस की तीलियों से हमने ये एल बनाया है, ठीक। ये 2L से बनाए हैं और ये 3L से बनाए हैं, ठीक। तो इसमें देखिए हमारे पास दो स्टिक्स का यूज़ हुआ है, ठीक। एक ये दो, ठीक। दो स्टिक्स के यूज़ से हमने दो ये 1L बनाया है, ठीक। इसमें हमने चार स्टिक्स, ये एक स्टिक हुई, ठीक, और ये दूसरी स्टिक्स। तो इसमें कितनी स्टिक्स लगी? चार स्टिक। यानी एक पैटर्न बनाने के लिए हमारे पास हमको दो स्टिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, और चार स्टिक्स बनाने के लिए मतलब दो पैटर्न बनाने के लिए हमको, ठीक, दो पैटर्न है ये पहला या दूसरा, ठीक। इसको बनाने के लिए हमको दो चार स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, दो को बनाने के लिए चार की और एक को बनाने के लिए दो की, ठीक। इसी तरह हमको अगर तीन बनाने हैं एल सेफ, ठीक, ये तो उसमें कितनी स्टिक जरूरत पड़ेंगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, 6 स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड बराबर 2 × नंबर ऑफ एल्स, मतलब नंबर ऑफ एल मतलब एक एल कितने, अगर जितने एल हो गए उतने से हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास 1L हुआ, ठीक, तो 2 × नंबर ऑफ एल्स मतलब जितने एल हो गए उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जैसे हमारे पास यहाँ 1L है तो हमने 2 × 1 से किया तो कितना हुआ? 2, यानी कि 2 मैच स्टिक्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अगर हमारे पास हमको 2L बनाने हैं, नंबर ऑफ एल्स अगर हमको 2L बनाने हैं तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4L्स, यानी कि हमारे हमको 4 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हमको नंबर ऑफ एल्स कितने हैं? 3L, ठीक। एल्स कितने हैं? 1, 2, 3 3L्स, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 6, यानी मैच स्टिक्स कितनी लगेंगी? 6 मैच स्टिक्स लगेंगी 3L बनाने के लिए, ठीक। 3L से बनाने के लिए 6 मैच स्टिक जरूरत पड़ेंगी। इसी तरह यहाँ पे हम 2 × 4 करेंगे यानी कितना होगा? 8, तो 4 मैच स्टिक्स बनाने के लिए कितनी, 4L बनाने के लिए 8 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। फिर हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिखा है कंप्लीट द टेबल, ठीक, टेबल कंप्लीट करना है। ये फिगर है, x बराबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है, ये वैल्यू x की, ठीक। लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी है? 2x है, मैच स्टिक कितनी है? 2x है, ठीक, नंबर ऑफ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ x बराबर है 1, तो मैच स्टिक्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 2 × x बराबर कितना है? 1 है, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 2 हो जाएंगी। इसी तरह x बराबर कितना है? यहाँ पे 2 है, तो मैच स्टिक्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? 2 × 2 यानी कि 4, ठीक। तो 4 लिखा है यहाँ पे, इसमें नहीं लिखा तो इसमें हम बताना हमको। जैसे हमारे पास यहाँ पे x बराबर 3 लिखा है, ठीक, x बराबर 3 लिखा है हमारे पास, तो इसमें हम 2 × मैच स्टिक्स कितनी लिखी है? 2 × x, ठीक। तो 2 × x बराबर कितना है? 3 है, ठीक। तो 2 × 3 कितना होगा? 6 होगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा। इसी तरह यहाँ पे 4 है ना, तो x बराबर 4 लिखा है, x बराबर 4 है तो 2 × 4 यानी कितना होगा? 8। कितनी मैच स्टिक्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी जाएंगी? 8 मैच स्टिक्स जाएंगी, ठीक, यानी कि 8 हो जाएंगी, ठीक। और यहाँ पे कितनी है? 5, x बराबर कितना है? 5 है, ठीक। तो 2 × 5 कितना होगा? 10, ठीक, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी होगी? 10 होगी, ठीक। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स का नंबर फाइंड करना है हमारे पास। अगर नंबर ऑफ बुक सेल्स m है, ठीक, m बराबर इतना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगा है, 6 तक लिखा है, ठीक।
और टोटल बुक्स कितनी हमारे पास 15 एम है ठीक। टोटल बुक कितनी है 15 एम है, ये 15 एम है ठीक। टोटल बुक कितनी है 15 एम है, तो इनका ये मान लिखा है। यहाँ एक बुक का मान 15 है, दो बुक का 30 है, तो तीन का कितना होगा उनको बताना है ठीक। तो नंबर ऑफ बुक सेल्फ एम है, एम है ठीक। टोटल बुक कितनी है 15 है ठीक। तो एम बराबर 3 रखना, एम बराबर कितना है यहाँ पे, एम बराबर है यहाँ पे ये हमको बताना है ठीक, 3 है। तो 15, 2 का मान तो मतलब 2 का मान ये पता है हमको, यहाँ पे 3 का मान बताना है, 4 का बताना है, 5 का बताना है, 6 का बताना है ठीक। तो यहाँ पे 15 इंटू एम, एम बराबर कितना है 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 45 ठीक। इसी तरह यहाँ पे हम m बराबर कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे m इंटू 4 कितना हो जाएगा 15 गुणा करेंगे 60 होगा ठीक। इसी तरह 6 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा वो लिख। तो हमारे पास रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री, इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा ठीक। ज्योमेट्री के रूल्स क्या होते हैं, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल दो होते हैं ठीक। ये हमारे पास लिखा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब होता है हमको स्क्वायर का पैरामीटर बताना है ठीक। जैसे ये स्क्वायर है, वर्ग है ठीक। ये वर्ग की हम जानते हैं सारी भुजाएं अब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सब बराबर है ठीक। तो लिखा है लेंथ ऑफ द सम, मतलब लेंथ सम होती है, लेंथ मतलब भुजा ठीक। तो जैसे लिखा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ठीक। तो इसमें लिखा L प्लस L प्लस L, मतलब सारी जो सम भुजाओं का सम कितना होता है L 4 बार ठीक। तो बराबर हो जाएगा 4L ठीक। तो P बराबर हो जाएगा पैरामीटर बराबर 4L ठीक। ये होता है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या कहते हैं, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत ठीक। ये आयत है, तो आयत की आमने सामने की भुजा दोनों बराबर होती हैं ठीक। ये इसके सामने की भुजा बराबर होती है, इसके सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब AB बराबर CD के और BC बराबर DA के ठीक। लिखा है लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CD प्लस लेंथ ऑफ AD बराबर में लिखेंगे ठीक। तो AB बराबर L है और BC बराबर B है ठीक, CD बराबर L है और DA बराबर B है। तो 2L 2B, 2 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे L प्लस B ठीक। तो P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा 2 इंटू L प्लस B ठीक। ये होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखते हैं यहाँ पे रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक। रूल फ्रॉम अर्थमेटिक क्या होता है, जैसे हमने दो नंबर ले लिया उनको हम 4 प्लस 6 के फॉर्म में लिख देते हैं ठीक। तो इसका मतलब होता है ये अर्थमेटिक फॉर्म में लिखा है ठीक। 4 प्लस 6 ये क्या होता है, अर्थमेटिक फॉर्म में। ये दो नंबर हम ले लिए थे 4 एंड 6 ठीक। तो इसको हम डिनोट करेंगे इससे, तो ये हो गया हमारे पास अर्थमेटिक फॉर्म में ठीक। फिर जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ लेटरल्स ठीक। एडिशन की प्रॉपर्टीज बतानी है, जैसे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी होंगी ये सब प्रॉपर्टियाँ। इसमें क्या था, जैसे हम नंबर्स का हमने ये डिजिट बदल दी, ये इधर कर दिया, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगी, सेम होंगी ठीक। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको साथ में जोड़ लेंगे और इसको हम अलग जोड़ लेंगे। जैसे सी को यहाँ जोड़ लिया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टियाँ हैं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ए प्लस B प्लस C ठीक। ये तो लिखा है ऐसे, हाँ वही लिखा है ठीक। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ठीक। जैसे ये हमारे पास लिखिए एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें हम जीरो का सम करते थे ना, तो हमने यहाँ पे A प्लस जीरो लिखा तो कितना होगा, A होगा। और जीरो में हम अगर A को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो भी कितना होगा, A ही होगा ठीक। फिर यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ लेटरल्स, ये सब एलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ हैं। और प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ लेटरल्स, इसमें क्या होता है, जैसे हम 4 को x से, अगर हमको यहाँ पे x 4 को मतलब x से अगर हमको सबट्रैक्ट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे ठीक।
एक्स माइनस फोर, अगर x को 4 से सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस एक्स, ठीक, जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ लेटरल्स, ठीक। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेटरल्स। इसमें जैसे हम अगर कुछ नंबर को हम सेम नंबर जैसे लिखे लिखा है 2 + 2 + 2 अगर इसको हम ऐड करते हैं, ठीक, तो यहाँ कितना होगा, 8 होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है इस प्रॉपर्टी में, यह एडिशन की, मतलब हमने सेम नंबर से ऐड किया तो 8 हुआ। अगर जैसे 4 times 2 इसका मतलब होता है 4 × 2 बराबर 8, ठीक, बराबर 8, वही आया, ये प्लस से था, ये मल्टीप्लिकेशन से, ठीक। जैसे यहाँ पे a + a + a + a बराबर कितना होता है, 4a, ठीक, 4a हुआ, ये 4a, ठीक, 4a, a + a + a बराबर 4a, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 times a, 4 times a का मतलब 4 × a बराबर कितना होगा, 4a, ठीक, वही आया। ये होता है एडिशन को मल्टीप्लिकेशन से शॉर्ट, मतलब शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। इसमें जैसे लिखा है डिवीज़न प्रॉपर्टीज ऑफ लेटरल्स। डिवीज़न प्रॉपर्टी में जैसे इस तरह डिवीज़न लिखा हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं a by b, ठीक, a by b, यानी a को b से डिवाइड करना है, a by b। फिर जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ पे b divided by 4 इस, तो इसको ऐसे लिखेंगे b by 4, ठीक। थैंक यू बच्चों।